परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह उन्हां समयां दी गल है जदों श्री बौली साहब की कार सेवा श्री गोविंदवाल साहब चलती सी ते सेवक बड़े प्रेम नाल सेवा कर रहे सन। गुरु जी जिस उत्ते भी अपनी कृपा दृष्टि करते सन उस नूं ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता सी। गारा बना के इटा लियांदे सन ते पहला चंगी तरह सुधार के चूना बनाउंदे सन। बड़े प्रेम नाल चूने नूं चक्कियां विच पीसदे सन ते फिर सिर उत्ते रख के लै जांदे सन। किसे नूं किसे तरह भी कोई कुछ नहीं कहिंदा सी, आपे शुभ सेवा करनी चाहुंदे सन। एक आउंदा सी, एक लै जांदा सी अते सारे कारीगरां दे पास पहुँचाउंदे सन। जिवें जिवें प्रीत नाल सेवा करदे सन तिवें तिवें गुरु जी सब की सेवा वेख के उन्हां दियां मनोकामनावां पूरियां करदे सन, जिन्हां दी जोत सब विच व्यापक सी। एक सिख काबल विच रहिंदा सी जिस दी इस्त्री पति व्रता सी। ओह दिन रात अपने पति नूं प्यार करदी सी ते उस दे मन विच कदे भी किसे दूसरे मर्द बारे ख्याल नहीं सी आउंदा। उस सिख ने अपनी इस्त्री नूं सुखदाती सिखी दृढ़ाई सी। पतिव्रता होण करके उस विच विशाल शक्ति आ गई सी, जिथे चाहुंदी सी फौरन पहुँच जांदी सी। हजारां कोहां ते एक घड़ी विच पहुँच जांदी सी ते पहुँचण विच जरा भी देर नहीं सी लगदी। इस तरह दियां कई होर शक्तियां भी धारण कीतियां सन। सदा ही पति दे प्रेम दी प्रीत नूं पालदी सी। जद उस नूं बौली दी कार सेवा दा पता लगा ओह गुणा दी खान भाव गुरु जी की सेवा करन वास्ते तैयार हो गई। थोड़ी सेवा करन नाल भी वड्डा फल प्राप्त हुंदा है। ऐसी फलदायक सेवा जाण के कौन छड्दा है। ओह सिखणी काबल तो आउंदी सी अते सवेर होण ते गुर सेवा करन लग जांदी सी अते सारा दिन कार सेवा करदी सी। मिट्टी पुट के सिर ते चुक के बाहर कढ़दी सी। चूना अते इट्टां भी बहुत प्रेम धारण करके अते शौक वधा के पहुँचाउंदी सी। किसे नाल भी बोलदी नहीं सी। सतगुरु जी दे चरणां नूं हिरदे विच धारण करदी सी। जद रात पैंदी सी तां अंतर ध्यान हो के अपने घर काबल चले जांदी सी। सारे परिवार नाल मिल के अन्न पानी छकदी सी अते अपने घर ही सौंदी सी। सवेर होण ते फिर अचानक आ जांदी सी। सेवा करदी श्री गुरु नानक देव जी का सिमरन करती सी। उस नूं वेख के सिख हैरान रहिंदे सन। उस इस्त्री का कोई भेद नहीं सी पा रहा। सिख कहिंदे सन सेवा करदी करदी खलो के हत्थां नूं इस तरह हिलाउंदी है जिवें पंगूड़े नूं झुला रही होवे, फिर कार सेवा करन लग जाती है। एक घड़ी बाद फिर उस तरह ही हथ हिलाउंदी है जिवें पंगूड़ा झुला रही होवे। पता नहीं यह सदा ही कित्थों आउंदी जाती है। सारे यह जान के बहुत हैरान हुंदे सन। दूसरा हाथ हिलाउंदी नूं वेखदे सन। गति दा कुछ पता नहीं सी लगदा जिस नाल आश्चर्य होर वधदा सी। ओह इन्ने प्रेम नाल सेवा कर रही सी कि उस नूं पुछ भी नहीं सी सकदे सन। जो ओह कार सेवा कर रही सी उस दे भेद नूं जान नहीं सी रहे। आपस विच बहुत चर्चा करदे सन पर किसे नूं भी कोई समझ नहीं सी पैंदी। अपने चित विच सोचदे सन इस दी अंतरमुखी बिरती है अते सुरत एकागर है अते कार सेवा करन विच बड़ी फुरती करदी है। सदा ही कार सेवा नाल प्रेम करदी है। आलस त्याग के बहुत उद्यम करदी है। कई दिन इस तरह बतीत गए। सारी सिख संगत आश्चर्य विच डुबी रहिंदी सी। फिर सारे मिल के सतगुरु जी दे पास गए। हैरान होई होई बुद्धि नाल पुछण लगे हे प्रभु जी, रोज़ एक स्त्री आउंदी है सारे नाल मिल के कार सेवा करती है, शाम नूं ओह अलोप हो जाती है, सारे दे वेखदिआं वेखदिआं फिर किते भी नहीं दिसदी, सवेर हुंदिआं ही फिर पहलां वांग प्रगट हो जाती है अते बाकी सिखां वांग कार सेवा करती है। एक आश्चर्य काम होर भी करती है। कार सेवा करती करती जिस थां बैठती है हाथ फैला के फिर पिछे हटा लेंदी है। कुछ समझ नहीं आती। असी वेख वेख के हार गए हाँ।
बहुत दिनों तो इस तरह वेख रहे हाँ, अज तुहाथों ये भेद जानना चाहते हाँ। कौन है यह, किस शहर ते किस घर वसदी है, किस तरह यह अपने घर पहुँचती है ते किवें यह विखाई नहीं दिंदी। कृपा करके इसका वृतान सुनाओ अते सारे सिखां दे मन दे भरम नूं दूर करो। श्री गुरु अमरदास जी उन्हां दी इह गल सुन के उस इस्त्री का सारा प्रसंग सुनाउण लगे। काबल विच मेरा एक सिख रहिंदा है, उसकी यह इस्त्री उसनूं बहुत प्रेम करती है, भले वड्डे भागां वाली पति व्रता है, गुर सेवा करन वास्ते सदा तत्पर रहिंदी है, अपने पति नूं परमेशर करके जाणदी है, उसकी आग्या हर वेले मानदी है। पराए पुरश बारे उसके मन में कदे फुरना भी नहीं फुरदा है, हिरदे विच सदा गुरु का ध्यान धार के रखती है ते बाहर किसे नाल भी नहीं बोलती। उस इस्त्री दे पति ने उसनू गुर सेवा बारे दस्या है, पति की सेवा करके यह शक्ति प्राप्त की है, जिस करके अपनी इच्छा अनुसार किते भी आ जा सकती है, जिमें सिद्धा वाग यह सारिया सिद्धियां नाल भरपूर है। सवेरे इत्थे आ के कार सेवा करती है, शाम होने ते काबल अपने घर चली जाती है, सवेर आने लगी अपने छोटे पुत नू पंगूड़े विच लटा आउंदी है अते अपनी शक्ति कारण उसका पंगूड़ा चलाउंदी है। काबल तो जब चलन लगती है तो अपने पुत्र नू पंगूड़े विच छड आउंदी है, बौली दी कार सेवा करती हुई भी अपने पुत्र दी हालत नू जानदी है अते जद उह रोंदा है तो हथ फैला के पंगूड़े नू झुला दिंदी है। कार सेवा करती करती भी हत्थां नूं फैला दिंदी है अते अपनी शक्ति नाल पंगूड़े नूं चला दिंदी है। इस थां बैठी अपने पुत्तर नूं लाड़ लड़ाउंदी है अते प्रेम नाल कार सेवा भी करती है। रात नूं घर जा के अपना घर बार संभालदी है अते अपने पुत्तर अते पति नूं मिल के आनंद धारण करती है। इस्त्री पास पति व्रता तों वड्डा होर कोई भी धर्म नहीं है, जिस कारण हिरदे विच महाशक्ति प्राप्त हुंदी है। पहला भी एक ऐसी पति व्रता औरत होई है जिसने 10 दिन हनेरा कर रखिया सी, ओह इन्नी बलवान अते शक्तिशाली हो गई कि उसने 10 दिन सूरज ही नहीं चढ़न दिता। यह सुन के संगत ने इस कथा बारे पुछया, हे गुरु जी जिवें यह कथा पहला होई है सानू सुनाओ। यह सुन के श्री गुरु अमरदास जी ने कहा, एक रिखी जो मंड दी संतान होण करके मांडव कहाउंदा सी जंगल विच तप कर रहा सी। चोरां ने मिल के राजे दे महलां विच चोरी कीती। जद उह चोरी दा माल लैके जा रहे सन तां रस्ते विच उहनां मांडव रिशी नूं तप करदे वेख्या। एक बहुत कीमती हार उह मांडव रिखी नूं समझ के अर्पण कर गए। चोर तां अपने घर चले गए पर रिखी अपनी समाधि विच मगन बैठा रहा। इन्ने विच राजे दे सूरमे आए, हार वेख के उन्हां ने मुनि नूं फड़ लिया। मुनि बहुत कह रहा सी पर उसकी कोई गल ना मनी। चोर समझ के उसनों सूली दे चढ़ा दिता। तप की शक्ति कारण वह मरिया नहीं। धर्मराय ते उसनों बहुत गुस्सा आया, कहण लगा, हे माड़ी बुद्धि वाले धर्मराय, तू यह अन्याय किया है, पाप तो बिना ही मैनू सूली दे चढ़ा दिता। मैं तेनों वड्डा श्राप देवांगा, मैं सारी उम्र तप किया बिना पाप दे, तू मैनू सूली दे चढ़ा दिता। धर्मराय ने फिर आ के मुनि नूं कहा, तू पिछले कर्मां दा ही फल लिया है, जब तेरी बालक उम्र सी तू सूल नाल एक टिड्डे नूं वेंद दिता सी, उस कारण तेनू सूली की सज़ा मिली है। यह सुन के मुनि बोलिया, यह कोई न्याय नहीं, बालक उम्र सोझी तो बगैर हुंदी है, उस वेले जिहड़ा उह कर्म करे वड्डा हो के उसका फल किवें लवे। अज तो ऐसी मर्यादा करो हे धर्मराय, जिमें मैं कहता हाँ बालक उम्र विच बच्चे नू कोई सुध नहीं हुंदी है, इसलिए बालक उम्र विच जो कर्म करे उसका वड्डा हो के फल ना पावे। जब मांडव मुनि सूली उत्ते चढ़िया होया सी तां एक पति व्रता इस्त्री ने उसनू ना वेख्या, वह अपने पिंगले पति नू सिर ते चुक के ले जा रही सी कि चलदियां चलदियां सिर ते चुकया होया उसका पति सूली नू जा वज्जा। उस वेले बड़ा हनेरा सी, इसलिए उस औरत नू दिसया नहीं सी। जद मुनि नू उस औरत दा पति वज्जिया तां हिलण करके दुखी होण करके वह बहुत गुस्से विच आया,
ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਦੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਂਤੇ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਾਵੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।